हे गाइस, वेलकम टू सपना कॉर्नर। आज हम बनाएंगे बहुत ही जायकेदार और डिलीशियस मटन यखनी पुलाव। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और बनाने में उतनी ही इजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हम मटन डाल देंगे एक कढ़ाई में। ये 500 ग्राम मटन है और ये कुछ साबुत धनिया, सौंफ, जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, 4 से 5 काली मिर्च और 2 छोटी लौंग है। और ये 1 बड़ा प्याज, 2 साबुत लहसुन और 4 से 5 हरी मिर्च डाल देंगे हम इसमें। और अब हम इसमें नमक डाल देंगे 1 चम्मच। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डाल के उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे गैस पे बिठा देंगे और ये मटन टेंडर होने तक हम इसे पका लेंगे। आप चाहें तो इसे प्रेशर कुक भी कर सकते हैं 1 से 2 सीटी आने तक। तो देखिए हमारी मटन एकदम कुक हो गई है। देखिए मटन हमारी अच्छी तरीके से कुक हो गई है। देखिए हमने मटन और यखनी को अलग कर लिया है, अच्छी तरीके से छान लिया है सारे साबुत मसाले को। और ये लहसुन हमने फेंकना नहीं है, हमने यूज़ करना है उसे बाद में। अब हम एक पतीले में ऑयल डाल के उसमें प्याज डाल देंगे बारीक कटी हुई, और ये 2 छोटी इलायची और लौंग डाल देंगे हम इसमें। अच्छी तरीके से प्याज को फ्राई कर लेंगे हम। हमें अनियन को अच्छा ब्राउन कर लेना है। तो देखिए हमारा अनियन अच्छी तरीके से ब्राउन हो गया है, हमें उसे निकाल लेंगे। और अब हम इसमें मटन डाल देंगे। मटन को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे ऑयल में। और अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 2 बड़ी चम्मच। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे मटन के साथ। और अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे 4 से 5, और ये दही डाल देंगे हम इसमें 1 कटोरी। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे कुछ इस तरीके से, जो कि हमने मटन के साथ पकाई थी। और ये फ्राई की हुई अनियन डाल देंगे हम इसमें। इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे अब हम। अब हम इसमें यखनी डाल देंगे हमारी, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही हल्का सा बॉयल आ जाए हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल को हमने 1 घंटे के लिए भिगो लिया था। और ये नमक डाल देंगे हल्का सा, मटन में भी हमने नमक डाला था तो आप उस हिसाब से डालिए नमक। और हल्का सा बॉयल आने दीजिए। तो देखिए हल्का सा बॉयल आने के बाद हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए पका लेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, हमारी पुलाव अच्छी तरीके से पक गई है। अब हम इसमें तली हुई प्याज डाल देंगे और अब हम इसमें देसी घी डाल देंगे 2 चम्मच, 2 से 3 चम्मच हम इसे डाल देंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर लीजिए। और अब हम ये फूड कलर डाल देंगे, हल्का सा फूड कलर में हमने दही मिलाया था। और अब हम इसे दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए कुछ इस तरह कवर करके। तो फ्रेंड्स बनके तैयार है हमारी टेस्टी मटन यखनी पुलाव। आप इसे अपने घर पे जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।